फॉन्ट ऐड करना चाहते हैं, क्या हम खुद से कैनवा में फॉन्ट ऐड कर सकते हैं? हम उर्दू फॉन्ट को ऐड करना चाहते हैं, क्या ये पॉसिबल है? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एबी और आप देख रहे हैं जस्टन टेक। वेलकम बैक विद अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है कि हम कस्टम फॉन्ट को कैसे कैनवा में ऐड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल सिंपल स्टेप से। सबसे पहले हम अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे canva.com। कैनवा ओपन करने के बाद यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको ब्रांड का ऑप्शन मिल जाएगा। ब्रांड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, टेक्सटाइल और अपलोड फॉन्ट। कस्टम फॉन्ट अपलोड करने के लिए आपके पास प्रो अकाउंट का होना ज़रूरी है, क्योंकि मेरा फ्री ट्रायल वाला अकाउंट है तो यहाँ पर मुझे एरर शो हो रहा है। और अगर आप फ्री अकाउंट में उर्दू फॉन्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप फ्री अकाउंट में भी अपने थंबनेल्स में उर्दू फॉन्ट इस्तेमाल कर सकते हो। तो कैसे कर सकते हैं, लेट मी शो यू। अपने सिंपल क्रिएट डिज़ाइन पे क्लिक करके थंबनेल पे क्लिक करें। यहाँ से आप कोई भी कलर बैकग्राउंड में रख सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ब्लैक कलर रखूँगा। अब हम इसमें उर्दू कैसे लिख सकते हैं, तो इसके लिए आपने न्यू टैब ओपन करके यहाँ पर सर्च करना है गूगल ट्रांसलेटर। इसमें आप उर्दू टू इंग्लिश या फिर इंग्लिश टू उर्दू टाइप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इंग्लिश टू उर्दू टाइप करूँगा। यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ हाउ टू यूज़ उर्दू फॉन्ट। जैसी है आप टाइप करना स्टार्ट करेंगे तो एज वेल एज उर्दू में आपका टेक्स्ट कन्वर्ट हो जाएगा। आप यहां सिंपल से कॉपी कर सकते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूं। कॉपी करने के बाद आपने सिंपल अपना कैनवा ओपन करके यहां पर टेक्स्ट पे क्लिक करके ऐड हेडिंग पे क्लिक करके यहां पर पेस्ट कर देना है। फिर आप अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप सिंपल यहां से नए टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर आप फॉन्ट में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आपने सिंपल फॉन्ट पे जाने के बाद यहाँ सर्च बार में आपने टाइप करना है अरेबिक। जैसे ही आप टाइप करेंगे यहाँ पर आपको कई सारे अरेबिक फॉन्ट नज़र आ जाएंगे। आप वन बाय वन क्लिक करके आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि वाज़े फ़र्क पड़ रहा है हमारे टेक्स्ट पर। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं कि हम अपने टेक्स्ट के सेंटर में जो गैप है उसको कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप यहां से अपने टेक्स्ट के गैप को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास अपना ज़ाती प्रो अकाउंट है तो आप यहां से भी अपने कस्टम फॉन्ट को ऐड कर सकते हैं, जो ज़्यादातर जमील नूरी का फॉन्ट ही यूज़ किया जाता है उर्दू के लिए। आप सिंपल फॉन्ट में जाने के बाद यहाँ ब्रांड फॉन्ट पे अपना कस्टम फॉन्ट ऐड कर सकते हैं। क्योंकि हमारे ये फ्री ट्रायल है और हमें टीम मेंबरशिप मिली हुई है लेकिन हम इसके एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हैं तो हम यहाँ पर ऐड नहीं कर सकते। उम्मीद है बिगिनर्स के लिए ये वाला लेक्चर काफ़ी हेल्पफुल साबित हुआ होगा। मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आप लोग अपने अकाउंट को प्रो बनाना चाहते हैं तो ऊपर आप लोगों को लिंक नज़र आ रहा होगा, आप वहां सिंगल टैप से अपने अकाउंट को प्रो में कन्वर्ट कर सकते हैं।